यहाँ पे हमने ले लिया है यहाँ से बैटरी जो 4 वोल्ट का है, ये फिर यहाँ पे ये डेड है, आप देख सकते हैं इसमें इसमें से आवाज़ भी आता है यहाँ पे, ये एकदम डेड है, ये वर्क नहीं करता है। तो फ्रेंड क्या करेंगे कि यहाँ पे इसे कटिंग हम करेंगे, तो चल पे इसकी कटिंग कर लेते हैं हम यहाँ पे। यहाँ पे काफ़ी मुशक्कत के बाद हमने यहाँ पे इसको कटिंग कर दिया है। ऐसा कैसे हो सकता है? और देखिए इसका ये ऊपर का कैप हमने हटा दिया है, और तो क्या करेंगे कि इसको हम इसमें से बाहर निकाल देंगे सब। अरे यार हमें माफ करो यार, तुम यहाँ से जाओ। देख सकते फ्रेंड कि जो ये हमारा ये बैटरी का बॉडी था, इसको हमने बीच पास से कटिंग कर दिया था, और कटिंग करके और इस पर देख सकते स्पीकर साइज का दो कटिंग किया है, और उसके बाद फ्रेंड इस पर हमने कलर भी कर दिया ब्लैक कलर। और उसको देख सकते जो ऊपर साइड में दो टर्मिनल था, यहाँ पे साइड में यहाँ पे एक टैप होता है, वहाँ पे एक स्विच हमने यहाँ पे ऐड कर दिया, देख सकते हैं उसके पीछे से भी यहाँ पे छोड़ दिया, यहाँ पे दो स्विच इसका टर्मिनल है, यहाँ पे चाहिए हमें एक मोबाइल की बैटरी 3.7 वोल्ट की, उसके बाद चाहिए एक ब्लूटूथ किट और 4803 ऑडियो एम्पलीफायर किट ये चाहिए, जो कि देख सकते हैं इसका हमने करेक्शन भी कर दिया है। यहाँ पे आपको दिखा देते हैं हम, यहाँ पे 3 टर्मिनल होते हैं, यहाँ पे LPR 3 टर्मिनल है, तीनों के यहाँ पे जो ब्लूटूथ का बैक साइड है इसको उलट करके, और तीनों को आर को आर में एल को एल में टिकटिंग में जोड़ देना है। यहाँ पे 5 वोल्ट देखते हैं पॉजिटिव या निगेटिव, प्लस माइनस का 8 टर्मिनल है, और यहाँ पे देख सकते हैं पॉजिटिव इसमें कर दिया हमने, और इसको इसमें कर दिया है और देख सकते हैं, और ये 2 पिन ये स्पीकर के हैं, उसके बाद जेड पिन जो 5 वोल्ट का आता है, उसके बाद चाहिए हमें 2 स्पीकर जो देख सकते हैं छोटे छोटे हमने 2 मार्केट से यहाँ पे लाए थे। उसके बाद जो स्पीकर हैं इनको क्या करेंगे कि हम एक एक करके इसके जो होल हमने कटिंग किया था इसमें हम लगाएंगे यहाँ पे एक एक करके अच्छे तरीके से, यहाँ पे हम चिपका देंगे दोनों साइड से। देखिए चिपक चुका है, उसके बाद फ्रेंड लेंगे जो पीछे वाली बॉडी थी इसकी, उसको लेंगे हम, और उस पर देख सकते हैं इसके साइड में हमने यहाँ पे होल किया है, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे नीचे साइड में हमने किया है एक होल, और जो उसके बाद देख सकते हैं जो चार्जिंग पिन है इसको क्या करेंगे कि इसको इसमें लगा देंगे। तो इसको चिपकाने के लिए हम यहाँ पे डबल साइड टेप का इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पे इसके पीछे साइड में क्या करेंगे हम डबल साइड टेप को यहाँ पे लगा देंगे, और लगाने के बाद जो इसके पीछे का पेपर है इसको यहाँ पे हटा देंगे, इसको यहाँ पे फिक्स कर देंगे, लेंगे बैटरी को और बैटरी के पीछे में डबल सेट टेप को यहाँ पे चिपका देंगे। उसके बाद क्या करेंगे कि यहाँ पे इसके पॉइंट पे यहाँ पे देख करके जो बैटरी है इसका हम कनेक्शन कर देंगे यहाँ पे, ये जो चार्जिंग मॉडल है इसके एक पॉइंट पे माइनस का टर्मिनल है, इसको भी यहाँ पे एक प्लस का टर्मिनल पे जोड़ देंगे। उसके बाद एक वायर लेंगे हम छोटा सा इसके आउटपुट के लिए, और इसके आउटपुट और टर्मिनल पे यहाँ पे जोड़ देंगे। तो देख सकते हैं जो किट है इसके दोनों स्पीकर के दोनों टर्मिनल पे यहाँ पे हमने वायर जोड़ दिया है। उसको क्या करेंगे कि जो स्पीकर है इन चारों वायर को एक एक करके इसमें जोड़ देंगे। तो देख सकते हैं इसका हमने कनेक्शन कर दिया, उसका फिर देख सकते हैं जो इसका स्विच था फ्रंट बॉडी इसमें हमने एक बार जोड़ दिया है यहाँ पे देख सकते हैं, और ये वायर हमारा चल जाएगा इस किट के यहाँ पे प्लस टर्मिनल पे। तो देख सकते हैं इसके एक टर्म पे हमने जोड़ दिया प्लस टर्मिनल पे, और उसके जो ये दूसरा वाला है वायर प्लस का इसको ऊपर साइड में जोड़ देंगे, जो ये आया किट में का इसको हम एक स्विच के एक टर्मिनल जोड़ देंगे, और ये जो दूसरा वाला है जो किट है इसके माइनस वाले टर्मिनल जोड़ देंगे। तो देख सकते हैं ये हमने कनेक्शन कर दिया यहाँ पे। तो देख सकते हैं फ्रेंड कि इसका कनेक्शन उसको उसके बाद फ्रेंड लेना है वायर हमारा जो आपके पास जो भी वायर हो वो ले लेना, उसके बाद इसके जो दोनों बैटरी के टर्मिनल ऊपर वाले पे इसको हम यहाँ पे जोड़ देंगे दोनों टर्मिनल की, ताकि हम यहाँ पे आउटपुट ले सकें। तो देख सकते हैं फ्रेंड इसका इसको हमने जोड़ दिया, उसको 3 दोनों वायर को यहाँ पे
जो आउटपुट का टर्मिनल है दो, इसमें यहाँ पे जोड़ देंगे हम। तो देख सकते फिर किसका कनेक्शन हो सके, जिससे आपको हमने बताया था वही कैसे करना है। तो सब क्या करेंगे फ्रेंड, इसको इन दोनों को आपस में यहाँ पे चिपका देंगे। तो चिपका लेते हैं, इसके जो ज्वाइंट है इसको हम सुपर ग्लू डाल के चिपका देंगे। तो पिंके पिंके इसको भी इसके ऊपर से चिपका देंगे यहाँ पे। तो देख सकते हैं कि इसको हमने चिपका दिया है अच्छे तरीके से फेवरिक से। और फिर देख सकते हैं इसके कलर कोड भी अच्छा लग रहा है फिर। और देख सकते हैं इसका चार्जर भी, तो देख सकते हैं फ्रेंड ये रहा हमारा मोबाइल चार्जर। इससे आपको चार्ज करके हम दिखा देते हैं, देख सकते हैं ये फ्रेंड इसको हमने यहाँ पे इसके अंदर लगाया। और देख सकते हैं फ्रेंड कि इसमें एक रेड LED जल रहा है यहाँ पे। देखते हैं फ्रेंड ये जो हमारा दो पॉइंट है, आपको इसको हम वोल्टेज इसका चेक करा के आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, देख सकते हैं 3.87 वोल्ट दे रहा है, यानी कि 4 वोल्ट के आसपास दिखा रहा है। तो देख सकते फ्रेंड ये रहा हमारे पास एक LED 4 वोल्ट का, आपको यहाँ पे जला करके हम दिखा देते हैं यहाँ पे। तो देख सकते हैं काफ़ी अच्छे तरीके से इसका ब्राइटनेस दे रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे स्विच इसका चले फिर ऑन करते हैं यहाँ पे। तो देख सकते फिर ये ऑन हो चुका है, उसका फिर क्या करेंगे कनेक्ट करेंगे इसको यहाँ पे ब्लूटूथ से कनेक्टेड हो चुका है। उसको चले फिर इसको हम सॉन्ग आपको सुना करके यहाँ पे दिखा देते हैं। फिर हमारे पास सॉन्ग चलिए इसको करते हैं ऑन, थोड़ा थोड़ा बाजर पे Thank you.